हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सब लोगों का एक नए टेस्ट पेपर में। ये टेस्ट नंबर हमारा 5 है और ये हमारा दृष्टि आईएएस का है। तो देखिए, ये मैंने टेस्ट नंबर 5 इसलिए लिया क्योंकि इसमें इकोनॉमिक्स और सोशल के क्वेश्चन हैं। तो क्योंकि इकोनॉमिक्स के पेपर कम ही रहते हैं, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी तो हमने काफ़ी कर ही लिए, तो मैंने सोचा कि पहले इकोनॉमिक्स को कर लेते हैं। ठीक है, वैसे इसमें 2024 का ही करंट है, अदरवाइज अगर नहीं होता है कोई पुराना करंट होगा तो मैं फिर उसको स्किप कर दूंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कई सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे और मैं खुद भी बताना चाह रही थी कि अब मैं क्या करूंगी कि ये आपके 4-5 दिन के बीच में, मतलब 4-5 दिन का गैप हो जाएगा, इसके बाद में मैं यूपीपीसीएस आरओएआरओ के मेंस के जो पेपर होंगे और प्लस हिंदी ग्रामर प्रीलिम्स के, उनको मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगी। तो सारे के सारे पेपर आपको क्या रहेगा कि एक ही बार में मैं एक क्लिक में आपको भेज दूंगी, तो आप आराम से उनको प्रैक्टिस करते रहिएगा। मे भी अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं करवाऊंगी टेस्ट सीरीज, अगर अगर टाइम नहीं मिलता इन केस, क्योंकि मुझे भी थोड़े काम कुछ ज़्यादा ही हैं, तो फिर मैं सारे के सारे पेपर अपलोड कर दूंगी आपको आरओएआरओ प्लस यूपीपीसीएस के। ठीक है, तो फिर आप उनको कर लीजिएगा। चलिए हम पहले इनको कर लेते हैं क्वेश्चन को। देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है। ऑप्शन ए, बाजार की मांग और आपूर्ति व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक घटक है। सेकेंड, समष्टि अर्थशास्त्र राष्ट्रीय आय से संबंधित जानकारी प्रदान करती है या करता है। तो कह रहे नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट है हमारा ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। बात करें तो व्यष्टि अर्थशास्त्र लोगों द्वारा चुने गए विकल्प, उनकी पसंद को प्रभावित करने वाले कारकों और उनके फैसलों से मूल्य आपूर्ति मांग व वस्तु बाजार पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करता है, इसलिए कथन फर्स्ट आपका सही है। समष्टि अर्थशास्त्र राष्ट्रीय आय, कुल उत्पादन, कुल उपभोग और मूल्य सामान्य स्तर से संबंधित जानकारी प्रदान करता है, तो कथन सेकंड भी आपका यहाँ पर सही है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों ही ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि कैलिफोर्निया स्थित सिलिकॉन वैली अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का उदाहरण है, यह क्षेत्र का उदाहरण है। ऑप्शन ए द्वितीय क्षेत्र, बी पंचम क्षेत्र, सी तृतीय क्षेत्र या डी चतुर्थ क्षेत्र। आपको पता है कि यूएसए के अंदर कैलिफोर्निया एक जगह का नाम है। तो चतुर्थ क्रियाकलाप अर्थव्यवस्था का बौद्धिक पहलू है और इसके अंतर्गत शिक्षा, प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी का विकास और अनुसंधान में विकास शामिल है। यह उद्यमियों को बेहतर विनिर्माण प्रक्रियाओं का आविष्कार करने तथा अर्थव्यवस्था में प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने में सक्षम बनाने वाली प्रक्रिया है। चूंकि यह मानव पूंजी आधारित अर्थव्यवस्था है जिसमें सूचना, प्रौद्योगिकी, ज्ञान और शिक्षा शामिल है, अतः इसे ज्ञान अर्थव्यवस्था के रूप में भी जाना जाता है। कुछ चीजें और हैं, कह रहे हैं कि विश्वव्यापी उदाहरणों में कैलिफोर्निया स्थित सिलिकॉन वैली, म्यूनिक स्थित एरोस्पेस और ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग, हैदराबाद स्थित जैव प्रौद्योगिकी, सियोल स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स व डिजिटल मीडिया शामिल है। तो विकल्प डी सही है आपका, चतुर्थ क्षेत्र का। ठीक है, इसमें दो क्वेश्चन छिपे हुए हैं, एक तो केवल नॉर्मल है और किस क्षेत्र का उदाहरण है उसमें कई सारे क्षेत्र को उसमें डिफाइन है, वो अगर वो क्षेत्र किसी और क्वेश्चन में आते हैं तो आप उसको टैकल कर ले जाओगे। ठीक है, चले कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक आय का घटक नहीं है। अब चूंकि यहाँ पर नहीं है पूछा तो थोड़ा सा ध्यान देना है। ऑप्शन ए निर्यात, बी श्रमिक, सी पूंजी या डी उद्यम। कौन सा आय का घटक नहीं है, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो विच आ, मतलब समझ में आ रहा होगा पर फिर भी थोड़ा सा इजी कर देती हूँ मैं। कह रहे विच अमंग दी फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट, ठीक है, ऑफ फैक्टर इनकम, ठीक है, एक्सपोर्ट्स, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। देखिए, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, देखो कह रहे हैं कि कारक आय से आशय भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता जैसे उत्पादन के कारकों से प्राप्त आय से है। विकल्प ए इसका सही उत्तर है। वैसे आपको लग रहा होगा कि निर्यात से तो मतलब आय होती है, लेकिन उन्होंने कहा कि कारक आय से, ठीक है, तो उस हिसाब से आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। कुछ चीजें और अच्छे से दी गई हैं कि उत्पादन के कारक अर्थव्यवस्था के निर्माण खंड है, मतलब काफी सारी चीजें हैं, है ना, तो उससे आपको सही से समझ में और आ जाएगा। ठीक है, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट करें कि मूल्यह्रास को समायोजित करने के पश्चात एक देश के निवासियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को कहा जाता है डैश। ऑप्शन है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, बी निवल राष्ट्रीय उत्पाद, सी सकल घरेलू उत्पाद या डी निवल घरेलू उत्पाद। देख लेते हैं इसको। देखिए, हम बात करें अगर क्वेश्चन की, तो निवल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि NNP मूल्यह्रास को समायोजित करने के पश्चात एक देश के निवासियों द्वारा उत्पादित तैयार वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है। तो यहाँ पर आपका विकल्प बी सही हो जाएगा, निवल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, मूल्य को कहा जाता है तो निवल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। चलिए
नेक्स्ट कह रहे हैं कि नाबार्ड की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी। ऑप्शन ए पी के मोहंती समिति, बी शिवरामन समिति, बी में बी शिवरामन समिति, सी जी के पिल्लई समिति या डी नरसिम्हन समिति। तो नाबार्ड के बारे में कुछ बहुत तो आप जानते ही होंगे, अगर जो भी नया व्यक्ति जुड़ रहा है मैं बता दूं, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक आपका नाबार्ड मुख्य रूप से देश के ग्रामीण क्षेत्रों पर केंद्रित एक संवर्धन बैंक है और यह कृषि और ग्रामीण विकास के लिए वित्त प्रदान करने वाली शीर्ष बैंकिंग संस्था है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 1979 यानी 1979 ठीक है 79-81 में श्री बी शिवरामन की अध्यक्षता में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत ऋण की व्यवस्था की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया था और इसके फलस्वरूप आपके वर्ष 1982 में संसदीय अधिनियम राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। तो आंसर आपका हो जाएगा, किस समिति का पूछा है तो हो जाएगा बी शिवरामन समिति, लेकिन ईयर भी दिया गया है उसको जरूर याद रखिएगा क्योंकि एक क्वेश्चन अभी मैंने कहीं देखा था वो बैंकों को लेकर मिलान करना था, उसमें नाबार्ड भी था। तो इसका ईयर भी दिया गया है प्लस समिति भी दी किसकी सिफारिश पर तैयार की, मतलब कि इसका इसकी स्थापना की गई थी किसकी, नाबार्ड की। ठीक है, आई होप सारे फैक्टर यहाँ पर क्लियर हो गए, चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सकल राष्ट्रीय खुशहाली के स्तंभ है या है। ऑप्शन ए सुशासन, बी पर्यावरण संरक्षण, सी राजनीतिक स्वतंत्रता या डी महिला सशक्तिकरण। बात करें अगर यहाँ पर हम तो सकल राष्ट्रीय खुशहाली GNH विकास हेतु एक समग्र और धारणीय दृष्टिकोण है, ठीक है, जो भौतिक और गैर भौतिक मूल्यों को मनुष्यों की खुशहाली की आकांक्षा के साथ संतुलित करता है और इसका उद्देश्य जीवन के सभी जरूरी पहलुओं में संतुलित विकास प्राप्त करना है। GNH के चार स्तंभ होते हैं सुशासन, पर्यावरण संरक्षण, संस्कृति का संरक्षण संवर्धन, सतत समतामूलक सामाजिक आर्थिक विकास। तो यहाँ पर विकल्प जो आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया था कि नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना। कोड हमारा दिया है कि ऑप्शन ए केवल फर्स्ट और फोर, बी केवल फर्स्ट सेकंड और थर्ड, सी केवल फर्स्ट और सेकंड या डी थर्ड और फोर। तो आंसर की हम अगर बात करेंगे तो सी, ठीक है, अगर आंसर की बात करेंगे तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा यानी कि फर्स्ट और सेकंड। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से पंचवर्षीय योजनाओं फाइनेंशियल ईयर के बारे में के संबंध में सही है। ऑप्शन ए आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना। सेकेंड है ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य विषय तीव्र गति से और अधिक समावेशी विकास था। तो कह रहे नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। कूट है ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी फर्स्ट और सेकेंड दोनों, सी केवल सेकेंड या डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। आठवीं पंचवर्षीय योजना यानी कि इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें जो आपके वर्ष 1992 से 1997 के दौरान भारत ने 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता ग्रहण की थी। तो कथन फर्स्ट आपका सही है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना इन्होंने जो यहाँ पर दिया है जो आपके 2012 से 2017 का उद्देश्य तीव्र गति से और अधिक समावेशी विकास की ओर था, तो इसलिए कथन वैसे सही होना चाहिए सी पर, क्योंकि ऑप्शन इस तरीके से मिसमैच दिया तो बी सही हो जाएगा। ठीक है, मिसमैच नहीं, कहने का मतलब है कि आप क्योंकि ऑप्शन बदल बदल के देते हैं, आपने देखा होगा परंपरागत ऑप्शन कई बार नहीं रहते क्वेश्चन में, तो आप वैसे आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है डैश। ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, बी विश्व बैंक, सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या डी विश्व आर्थिक मंच। ह्यूमन डेवलपमेंट जिसको हम लोग शॉर्ट में HDI बोलते हैं उसी के बारे में क्वेश्चन है। तो देखिए दो अर्थशास्त्रियों पाकिस्तान के प्रोफेसर महबूब अलहक और उलहक, या हाँ उलहक ही लिखा रहता है, कहीं कहीं थोड़ा सा मिसमैच रहता है, और भारत के प्रोफेसर अमर्त सेन ने वर्ष 1990 में मानव विकास सूचकांक जो आपका HDI है की अवधारणा पेश की थी और इसके पश्चात संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP वर्ष 1993 से इसका प्रयोग करते हुए प्रत्येक वर्ष एक रिपोर्ट के तौर पर मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI जारी करता है। तो विकल्प ए सही है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित संकेतकों में से कौन सा से बहुआयामी गरीबी का आकलन करने हेतु है। ऑप्शन ए क्रय शक्ति, सेकेंड बाल मृत्यु दर, थर्ड वाहन का स्वामित्व या डी स्वच्छता, सॉरी फोर स्वच्छता। तो कह रहे नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। कोड है हमारा ऑप्शन ए फर्स्ट और सेकेंड, बी सेकेंड और फोर, सी केवल फर्स्ट और थर्ड या डी केवल फर्स्ट सेकेंड और फोर। ठीक है, चले अगर हम बात करें क्वेश्चन की तो UNDP का मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय बहुआयामी गरीबी सूचकांक प्रकाशित करता है और ये तीन आयामों
एवं 10 संकेतकों यथा स्वास्थ्य, बाल मृत्यु दर, पोषण, शिक्षा, स्कूली शिक्षा के वर्ष नामांकन और जीवन स्तर, जल स्वच्छता, विद्युत, खाना पकाने का ईंधन, घर के फर्श तल की स्थिति, परिसंपत्ति के आधार पर अभाव का आकलन करता है। तो इसलिए विकल्प बी यहाँ पर सही है, यानी कि सेकेंड ऑफ फोर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व खुशहाली कह रहे हैं नेक्स्ट में कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत की रैंक क्या थी। ऑप्शन है 121, बी 126, सी 111वीं यानी कि 111 या 111वीं, डी 117वीं। वैसे कोई नहीं बता गया क्वेश्चन, तो मैं बात बता देती हूँ आपको कि ये आपका बी है 126वीं, पता ही होगा। अब 24 की आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, है ना। रिपोर्ट में महीना नहीं, मंथली नहीं दिया था करंट अफेयर मंथ का, वरना जो कंफ्यूज करने वाला करंट अफेयर रहता है तो मैं उसे नहीं कराती हूँ खुद से ही, है ना। ये देखिए बुक के क्वेश्चन खूब आते हैं। द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए अमर्त्य सेन, बी रघुराम राजन, सी दादा भाई नौरोजी या डी एम विश्वरैया। ठीक है, तो देखिए अभी एक पेपर हुआ था किसी राज्य का, तो उसमें भी पुस्तक का नाम जरूर पूछ लेते हैं, इसलिए जरूरी है। द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक आपके एम विश्वरैया करके हैं, और इसमें आर्थिक नियोजन की दिशा में सैद्धांतिक विकास की व्याख्या की गई है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि सतत विकास और आत्मनिर्भरता निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। ऑप्शन है तीसरी, बी चौथी, सी पांचवी या डी छठी। अगर हम यहाँ पर बात करें कि सतत विकास और पंचवर्षीय योजना के बारे, सॉरी आत्मनिर्भर भारत के बारे में, क्योंकि आत्मनिर्भर अभी आपका 2 साल से बहुत चर्चा में, 4 साल से रहा है जब से कोविड आया था, है ना। तो मे बी कि आप कन्फ्यूज ना हो कि ये पहले का है या अभी। तो बात करें अगर यहाँ पर हम क्वेश्चन की, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उस हिसाब से, तो चौथी पंचवर्षीय योजना जो आपकी 1969 से 1974 के दो प्रमुख उद्देश्य सतत विकास और आत्मनिर्भरता थे। तो इस तरीके से बात करेंगे तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसने सर्वोदय योजना प्रकाशित की। ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, बी एम एन राय, सी श्रीमन नारायण अग्रवाल या डी अर्देशिर दराबशा श्राफ। ठीक है, तो अगर बात करें यहाँ पर हम, तो जयप्रकाश नारायण ने वर्ष 1950 यानी 1950 में स्वसर्वोदय योजना नामक एक योजना दस्तावेज प्रकाशित किया था, तो इसलिए आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा कृषि विपणन और किसान अनुकूल सुधार सूचकांक शुरू किया गया। ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, बी नीति आयोग, सी खाद्य एवं कृषि संगठन भारत, एनडी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। देखिए अगर हम बात करें तो नीति आयोग ने कृषि बाजार सुधार, भूमि पट्टा सुधार और निजी भूमि पर वनिकी, पेड़ों की कटाई और पारगमन के तीन प्राथमिक क्षेत्रों में सुधारों को लागू करने की आवश्यकता को देखते हुए राज्यों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए पहला कृषि विपणन और कृषि किसान अनुकूल सुधार सूचकांक विकसित किया था। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, नीति आयोग। चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन है 1991 में, बी 1993 में, सी 1995 में, डी 1997 में। देखिए बात करें तो व्यापार और टैरिफ पर सामान्य समझौते गैट, आपने गैट का नाम सुना ही होगा, गैट को प्रतिस्थापित कर वर्ष 1995 में विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की स्थापना की गई थी। तो विकल्प सी सही है। WTO आपको विभिन्न राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों वाला एकमात्र वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। भारत ने 1 जनवरी 1995 से WTO का और 8 जुलाई 1948 से गैट का सदस्य है। गैट को प्रतिस्थापित करने का मतलब है कि गैट को वहां से हटाकर, ये गैट आपने इसका नाम सुना होगा, वहां पर WTO की स्थापना की गई थी। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा 1995। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि भारत के आकस्मिकता निधि किसके अधीन है। ऑप्शन है राष्ट्रपति के, बी केंद्रीय कार्यपालिका के, सी संसद के या डी एक संसदीय समिति के। तो देखते हैं कि भारत के आकस्मिकता निधि जो आपकी है, संविधान का अनुच्छेद 267 इसका प्रावधान करता है। यह भारत के आकस्मिकता निधि, ठीक है, की स्थापना का अधिकार देता है, जिसे सरकार द्वारा तत्काल अप्रत्याशित व्यय की पूर्ति की सुविधा के लिए भारत के राष्ट्रपति के व्यवनाधीन रखा जाता है। अप्रत्याशित स्थितियों में इस निधि से व्यय के लिए संसदीय अनुमोदन आवश्यक है। तो विकल्प ए सही हो जाएगा, और इसका जो प्रावधान किया गया वो आर्टिकल 267 के तहत किया गया है, मतलब उसके तहत ये चीजें हैं। चलें आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण की व्याख्या करता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 110, बी अनुच्छेद 112, सी अनुच्छेद 117 या डी अनुच्छेद 123। अब देखिए ये इंटरचेंज मतलब कि क्वेश्चन हो गए, ये आपके पॉलिटी में यानी कि राज्य व्यवस्था में भी पूछे जाते हैं और ये इकोनॉमी में भी आ जाते हैं, तो ऐसे दोनों चीजों का आपका रिविजन हो जाएगा। सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण को बजट कहा जाता है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार वार्षिक वित्तीय विवरण आपका संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। तो ये क्योंकि ये सरकार की आय तथा व्यय का विवरण प्रस्तुत करता, तो आपका आंसर यहां पर हो जाएगा बी अनुच्छेद 112। ठीक है, चले नेक्स्ट। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर वर्ष 1921 में रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया? तो ऑप्शन है ली आयोग, बी वर्मा समिति, सी एकवर्थ समिति या डी बटलर समिति। बात करें अगर यहां पर हम, तो एकवर्थ समिति की सिफारिशों के आधार पर वर्ष 1921 में रेलवे बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन राजस्व व्यय में शामिल है? ऑप्शन ए ब्याज भुगतान, सेकंड सब्सिडी, थर्ड सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण एंड फोर जलापूर्ति खर्च। तो कह रहे हैं नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। कूट है आपका ऑप्शन केवल फर्स्ट और सेकेंड, बी केवल सेकेंड फर्स्ट और थर्ड, सी केवल सेकेंड और फोर्थ एंड डी केवल थर्ड और फोर्थ। बात करें अगर यहाँ पर हम, तो राजस्व व्यय या सरकार द्वारा अपनी रोजमर्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाने वाला व्यय है जिसे कोई राजस्व प्राप्त नहीं हो सकेगा, और यह एक मुफ्त भुगतान है जिसका मतलब कि सरकार खर्च किए गए धन की वसूली नहीं कर सकती। राजस्व व्यय में कुछ चीजें और शामिल है जो आप अच्छे से पढ़ लेना, जैसे कि आपका ब्याज भुगतान, रक्षा और पुलिस, ठीक है, इन क्षेत्रों में जो खर्च किया जाता है। आंसर आपका यहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा आपका फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है, ब्याज भुगतान और सब्सिडी, ये आपके राजस्व व्यय में शामिल होते हैं। सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण, जो ऋण दिया जाता है, ठीक है, जो सरकार द्वारा ऋण दिया जाता है, जलापूर्ति दिया जाता है, उसे राजस्व व्यय न कह करके मतलब कि वो राजस्व व्यय वाले उसमें नहीं शामिल होता है, वो आपका डायरेक्ट में रहता है। ठीक है, ये ऐसे व्यय हैं जो स्थानीय सरकारों के लिए दीर्घकालीन परिसंपत्ति तथा आय के स्रोत को निर्जन करते हैं और ये पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आते हैं, राजस्व व्यय के अंतर्गत नहीं आते। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पहला देश था जिसने औपचारिक रूप से जेंडर बजटिंग को अपनी बजट प्रक्रिया में शामिल किया? ऑप्शन है डेनमार्क, बी आयरलैंड, सी फिनलैंड या डी ऑस्ट्रेलिया। बात करें अगर यहां पर हम, तो महिलाओं और पुरुषों के बीच असमानता को दूर करने के लिए, ठीक है, इनको दूर करने के लिए उन्होंने विमेंस बजट की अवधारणा को विकसित किया और औपचारिक रूप से जेंडर बजटिंग को अपनी बजट प्रक्रिया में शामिल करने वाला जो पहला देश है वो ऑस्ट्रेलिया था। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी ऑस्ट्रेलिया। देखिए कह रहे हैं कि लेफर वक्र एक आलेखी निरूपण है। ऑप्शन ए मुद्रा स्फीति और गरीबी, बी कर राजस्व और कर दर, सी असमानता और गरीबी या डी आय और कर दर। ठीक है, तो बात करें अगर आपके लेफर वक्र की तो ये आपका कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, ऐसे जाता है और ऐसे करके फिर ऐसे आता है और ये बीच में आपकी एक ऑन लाइन रहती है, इस तरीके से ये वाली और लाइन रहती है। ठीक है, तो ये पहले ना इसको बढ़ते हुए दिखाता है और फिर घटते हुए दिखाता है, ऐसा कुछ आपने पढ़ा होगा जब भी इकोनॉमी को देखा होगा। तो लेफर वक्र की जो बात करें तो वह कराधान के संभावित दरों और सरकारी राजस्व के परिणामी स्तरों के बीच संबंधों का एक आलेखी निरूपण है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है कि कर राजस्व और कर दर के बीच में। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये वाली जो लाइन जाती है ये इधर से, तो ये कर की आय को बताती है कि कितना कर आपका बढ़ रहा है, फिर इधर से कम करने को, ऐसे कुछ करके वो बताते हैं जब भी पूरा इसका कॉन्सेप्ट बताते हैं सर लोग। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि फ्रिंज बेनिफिट टैक्स कब शुरू किया गया था? ऑप्शन वर्ष 2003-04 के बजट में, बी वर्ष 2004-05 के बजट में, सी वर्ष 2005-06 के बजट में या डी वर्ष 2006-07 के बजट में। बात करें अगर यहाँ पर हम फ्रिंज बेनिफिट के बारे में, तो देखिए फ्रिंज बेनिफिट टैक्स आपका मूल रूप से एक कर है जिसका भुगतान नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को प्रदान किए गए लाभों के बदले में करना होता है और इन लाभों की सूची में किसी नियोक्ता द्वारा वर्तमान अथवा पूर्व कर्मचारियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रदान किए गए विशेषाधिकारों, सेवाओं, सुविधाओं की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। इसे वर्ष 2005-06 के बजट में पेश किया गया था। 5-06 का मतलब हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि वस्तु एवं सेवा कर परिषद का गठन भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 239A, बी अनुच्छेद 246A, सी अनुच्छेद 279A या डी अनुच्छेद 290A। वैसे तो पता ही होगा, बात करें
तो 279A के तहत आपका वस्तु एवं सेवा का जीएसटी परिषद केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच है और इसकी स्थापना राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 279AI के अनुसार की गई थी। तो विकल्प आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा, 279A। ठीक है, उसके बाद में ये आपका सब कोष्टक ऐसे रहेगा। ठीक, चले आगे बढ़ते हैं। वैसे इतना अंतर तक नहीं पूछते हैं, बट अगर पूछ लिया टिप्पणी में तो आपको इसमें गलती नहीं होगी। कुछ चीजें और अच्छे से दी है आपको, पीडीएफ में इसलिए सेंड करती हूँ ताकि अच्छे से आप देख लें, केवल मेरे बताने वाले आंसर के साथ मतलब आप डिपेंड न रहें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि राजकोषीय उत्तरदायित्व तो और बजट प्रबंधन यानी FRBM जिसको हम बोलते हैं अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शन ए 2001, बी 2003, सी 2005 या डी 2006। ठीक है, ज्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि चीजों को हिंदी में बताऊं, बट फिर भी सिंपल होता तो फिर इसमें भी बता देती हूँ, है ना। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन यानी FRBM अधिनियम की बात करें तो यह संसद का एक अधिनियम है जिसे वर्ष 2003 में पारित किया गया था। ठीक है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी 2003। चले आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से वित्त आयोग के संदर्भ में सही है? ऑप्शन है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है, क्योंकि वित्त आयोग के बारे में बात हो रही है, फाइनेंस कमीशन। सेकेंड, अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो कह रहे नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी फर्स्ट और सेकंड दोनों, सी केवल सेकंड या डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। पहली बात तो करंट से अगर आप वाकिफ रहते होंगे तो आपको खुद ही जैसे ये चीज कि अध्यक्ष कौन है ये चीज आपको पता चल जाएगी, है ना, आराम से, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। बात करें तो वित्त आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, जो संवैधानिक व्यवस्था और समसामयिक आवश्यकताओं के अनुरूप केंद्र राज्यों तथा राज्यों के बीच कर आय को वितरित करने की विधि और सूत्र निर्धारित करता है। कथन एक सही है। हाल ही में नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो कथन आपका यहाँ पर दो भी सही है। इस तरीके से बी ऑप्शन सही है। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से पंचवर्षीय योजनाओं यानी फाइनेंशियल ईयर के संदर्भ में सही है? ऑप्शन ए भाखड़ा नांगल सिंचाई परियोजना की शुरुआत दूसरी पंचवर्षीय योजना में की गई थी, बी नाबार्ड की स्थापना 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी, सी है आपका भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी, एंड डी है गरीबी हटाओ 6ठी पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों में से एक था। तो कह रहे हैं इनमें से कौन सा एक सही है आपका फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, पंचवर्षीय योजनाओं में, तो हमें ये बताना है। अभी हमने देखिए नाबार्ड के बारे में भी पढ़ लिया एक क्वेश्चन में कुछ न कुछ चीजें। बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पेश किए गए थे, तो विकल्प सी यहां पर सही है। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि भारत में आर्थिक सुधार प्रभावी ढंग से कब लागू किए गए? ऑप्शन ए जुलाई 1991, बी अक्टूबर 1990, सी जनवरी 1991 या डी अगस्त 1947। ठीक है, बात करें यहां पर हम देखिए बात करें तो कह रहे हालांकि भारत में आर्थिक उदारीकरण से संकेत 1970 के दशक के अंत से मिलते हैं, किंतु आर्थिक सुधारों की शुरुआत जो की गई सभी को पता जुलाई 1991 से की गई, तो विकल्प ये सही है। जुलाई 1991 में भारत ने एक सुधार एजेंडा प्रस्तुत किया जो संरचनात्मक परिवर्तन तथा व्यापक आर्थिक स्थिरीकरण का संयोजन था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा जुलाई 1991 यानी ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इकोनॉमी के हैं, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बहुत रहेंगे, अगर फैक्ट सही है तो इकोनॉमी के क्वेश्चन सही हो जाएंगे, अगर आपका फैक्ट नहीं सही है तो नहीं सही होगा। वैसे ज्यादातर समय रहता है, बट क्या पॉलिटी वगैरह में थोड़ा आप गेस भी कर सकते हो, है ना, बट इसमें ऐसा नहीं रहता, करंट की चीजें रहती हैं और आपकी ये जो संस्थाएं हैं ये चीजें रहती हैं। अब यहाँ पर क्योंकि एक केंद्रीय बजट का दे दिया है तो वैसे इसको स्किप कर देते हैं, अब हमारे लिए 24 और 25 का महत्वपूर्ण है। मे बी कि कोई क्वेश्चन वो बना देते ही से तो एक अलग बात है, कुछ क्वेश्चन तो अलग ही चलते रहते हैं, है ना। देखिए कह रहे हैं कि सकल घरेलू उत्पाद अवस्फीतिक है डैश, ऑप्शन ए नॉमिनल GDP और वास्तविक GDP का अनुपात, बी नॉमिनल GNP और वास्तविक GNP का अनुपात, सी वास्तविक GDP और नॉमिनल GDP का अनुपात या डी वास्तविक GNP और नॉमिनल GNP का अनुपात। तो अगर हम यहाँ पर बात करें सकल घरेलू उत्पाद के बारे में, सकल घरेलू उत्पाद अवस्फीतिक के बारे में, जिसे अवैत मूल्य अवस्फीतिक अथवा मूल्य सूचकांक भी कहा जाता है, ठीक है, एक अर्थव्यवस्था में स्थानीय स्तर पर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के वास्तविक मूल्य पर वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में बदलाव
के प्रभाव को समायोजित करके सकल घरेलू उत्पाद को मापता है। यह नॉमिनल जीडीपी और वास्तविक जीडीपी का अनुपात है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इस तरीके से दिया जाता है, आपको पता ही है जब भी हम इसको पढ़ते हैं नॉमिनल जीडीपी, तो जीडीपी अवस्फीति किस तरह यहाँ पर कर देंगे, ये आपका इस तरीके से रहता है, और यहाँ पर ऊपर आपका नॉमिनल हो जाएगा और यहाँ वास्तविक इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से निकाल आता है, ये निकालने का उसका तरीका होता है। ऑप्शन की बात करें आंसर के, क्वेश्चन के आंसर की, तो ये आपका हो जाएगा नॉमिनल जीडीपी और वास्तविक जीडीपी का अनुपात, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि रोलिंग प्लान कब प्रारंभ किया गया, ऑप्शन है वर्ष 1976, बी वर्ष 1978, सी वर्ष 1980, या डी वर्ष 1982। रोलिंग प्लान की बात करें अगर आपकी, तो ये एक रोलिंग प्लान वह है जिसमें योजना की प्रभावशीलता का वार्षिक मूल्यांकन किया जाता है, और इस मूल्यांकन के आधार पर आगामी वर्ष हेतु एक नई योजना बनाई जाती है। रोलिंग प्लान आपका वर्ष 1978 में शुरू की गई योजना थी जो 1980 तक प्रभावी रही। तो आपका जो विकल्प यहाँ पर होगा वो सही हो जाएगा, बी 1978 में शुरू किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि वाणिज्यिक बैंक किसके द्वारा विनियमित है, ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, बी बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, सी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976, या डी बैंकिंग कानून सहकारी समिति अधिनियम 1955, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो वाणिज्यिक बैंक वे बैंक है जो लाभ अर्जित करने के लिए जमा स्वीकार करते हैं, ऋण एवं वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं। वाणिज्यिक बैंकों का विनियमन आपका बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 द्वारा किया जाता है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा आपका बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक ने लीड बैंक योजना की शुरुआत किस वर्ष की थी, ऑप्शन है 1969, बी 1970, सी 1971, या डी 1972। बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक ने 1969 में लीड बैंक योजना की शुरुआत की थी, तो इस तरीके से बी, सॉरी, इस तरीके से ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है। लेकिन कुछ बातें और अगर हम समझ लें लीड बैंक के बारे में, तो देखिए इस योजना में निहित क्षेत्रीय दृष्टिकोण के तहत प्रत्येक बैंक अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करता है। प्रत्येक बैंक कुछ जिलों के अग्रणी बैंक के रूप में कार्य भी करते हैं, और इस योजना का उद्देश्य बैंकिंग कार्यों के दोहराव से बचने के लिए बैंकों एवं अन्य विकासात्मक एजेंसियों की गतिविधियों का समन्वय करना, प्राथमिकता वाले क्षेत्र व अन्य क्षेत्रों में बैंक वित्त के प्रभाव को बढ़ाने के लक्ष्य को प्राप्त करना था, ठीक है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा आपका 1969, और कुछ चीजें मैंने और भी बता दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक के S4A पहल का उद्देश्य है, ऑप्शन है भुगतान संतुलन बनाए रखना, बी स्वर्ण भंडार को बनाए रखना, सी दबावग्रस्त अस्थियों का निपटान करना, या डी CRR और SLR को बनाए रखना। बात करें अगर हम भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में, तो दबावग्रस्त अस्थियों की संवहनीय संरचना के लिए योजना S4A दबावग्रस्त अस्थियों के निपटान के लिए RBI द्वारा शुरू किया गया एक नवीनतम उपाय है। तो इस तरीके से आपका सी ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। चले कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट सशक्त प्रस्तावित किया गया था, डैश ऑप्शन है मधुकर गुप्ता समिति द्वारा, बी अशोक दलवाई समिति द्वारा, सी गाडगिल समिति द्वारा, या डी सुनील मेहता समिति द्वारा। बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक के अध्यक्ष सुनील मेहता के नेतृत्व में एक पैनल ने प्रोजेक्ट सशक्त का प्रस्ताव किया गया था, प्रस्ताव पेश किया था। तो इस तरीके से डी ऑप्शन हो जाएगा सुनील मेहता समिति द्वारा, ठीक है। चलें नेक्स्ट कह रहे हैं कि भारत में सहकारी बैंकों का शीर्ष निकाय है, ऑप्शन है RBI, बी नाबार्ड, सी SBI, ये डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। कह रहे हैं द अपेक्स बॉडी ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया, ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में तो देखते हैं, देखिए सहकारी बैंक इसके सदस्यों के स्वामित्व वाली वित्तीय संस्थाएं हैं जो अपने बैंक के मालिक और ग्राहक दोनों होते हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड भारत में सहकारी बैंकों का शीर्ष निकाय है, ठीक है। तो बी हो जाएगा आपका यहाँ पर नाबार्ड। चले आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से मुद्रा आपूर्ति का मूल्यांकन के संबंध में सही है या है, ऑप्शन है आरक्षित मुद्रा के अंतर्गत केंद्रीय बैंक द्वारा रखी गई मांग जमा और अन्य तरल अस्थियों के साथ सिक्के व मुद्रा जैसे सभी भौतिक धन शामिल है। सेकेंड संकुचित मुद्रा के अंतर्गत जनता के पास मौजूद सभी मुद्रा नोट शामिल है। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड, बी केवल फर्स्ट, सी केवल सेकंड, सी सॉरी डी फर्स्ट और सेकंड दोनों। अब हमको बताना है यहाँ पर कौन सा सही है। तो बात करें तो रिजर्व मनी मुद्रा आपूर्ति की एक श्रेणी है जिसमें केंद्रीय बैंक द्वारा रखी गई मांग जमा अन्य तरल अस्थियों के साथ सिक्के व मुद्रा जैसे सभी भौतिक धन शामिल है।
तो कथन एक आपके यहाँ पर सही है, ठीक है। इसे उच्च शक्ति वाली मुद्रा, प्राथमिक मुद्रा, मौद्रिक आधार मुद्रा आदि के रूप में भी जाना जाता है। तो बात करें आंसर की, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि वह औसत दैनिक शेष जिसे एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक को रिजर्व बैंक के पास बनाए रखना आवश्यक है कहलाता है। ऑप्शन ए डैश, ऑप्शन ए वैधानिक तरलता अनुपात, बी नकद आरक्षित अनुपात, सी रेपो दर, या डी रिवर्स रेपो दर। बात करें अगर हम यहाँ पर, देखिए एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा अपनी निवल मांग और समय देनदारियों यानी एनडीटीएल, जिसे नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी करके बोलते हैं, है ना, इसका फुल फॉर्म जो है, कि कुछ प्रतिशत के हिस्से के रूप में, क्योंकि अगर आप बोल दो एनडीटीएल तो चीजें समझ में आ जाती हैं, ये इसकी टर्मिनोलॉजी है, इसलिए है ना। तो वही कह रहे हैं कि एनडीटीएल के कुछ प्रतिशत के हिस्से के रूप में रिजर्व बैंक के पास रखना आवश्यक होता है। औसत दैनिक शेष कहलाता है सीआरआर, जिसे नकद आरक्षित अनुपात, मौद्रिक नीति समिति इस रिजर्व प्रतिशत में समय समय पर बदलाव तय करती रहती है। तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा, नकद आरक्षित अनुपात, ठीक है। बस पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है, बाकी वैसे तो आप पढ़ते ही रहते हैं और बहुत सिंपल है, बहुत पहले ही चीजें बताई जाती हैं, सीआरआर, एसएलआर, है ना, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इस तरीके से। नेक्स्ट कह रहे हैं कि खुले बाजार का परिचालन यानी कि ओएमओ से आशय है। ओएमओ को आप ओपन मार्केट ऑपरेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो डैश, ऑप्शन ए खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय, बी मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा किए गए उपाय, सी ट्रेजरी बिलों का क्रय और विक्रय, या डी बेरोजगारी के निपटान के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय। बात करें तो खुले बाजार का परिचालन ओएमओ आपका भारतीय रिजर्व बैंक का एक नीतिगत ढांचा है जो किसी अर्थव्यवस्था में धन की मात्रा को प्रभावित करता है। तो विकल्प ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय। इन दोनों में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने केवल ये शब्द लगा दिया कि मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा किए गए उपाय, तो हो सकता है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बट आपका ऑप्शन जो बात करें तो ऑप्शन आपका ए ही सही है, यानी कि यही इसका सही आंसर है, इसमें कंफ्यूजन कोई नहीं होनी चाहिए। इसका आशय बाजार में है, बात ये भी सही, ठीक है, कि जो आपका ये है मुद्रास्फीति, ये चीजें भी कहीं ना कहीं इसमें है, इंक्लूड है, पर अगर इस मतलब एक लाइन के क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो फिर ऑप्शन ए ही सही है। उन्होंने बताया है कि इसका आशय बाजार में धन की आपूर्ति के विस्तार हेतु, तो खुले बाजार का मतलब बैंक और वित्तीय संस्थान में सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय तथा विक्रय से है। अर्थव्यवस्था की मांग के अनुसार ओएमओ का संचालन किया जाता है। तो इस तरीके से इसका सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि सीमांत लागत आधारित ऋण दर यानी कि एमसीएलआर निर्धारित करने वाले कारक है। ऑप्शन है निधि की सीमांत लागत, बी परिचालन लागत, थर्ड है आपका नकद आरक्षित अनुपात यानी सीआरआर में वहन मूल्य से जुड़ी लागत, एंड फोर्थ टेनर प्रीमियम। कह रहे नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, बी केवल फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ, सी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, या डी केवल सेकेंड और थर्ड। देखते हैं, देखिए अगर हम एम सी एल आर निर्धारित करने वाले कारक की बात करें तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है, यानी कि सभी। निधि की सीमांत लागत, परिचालन लागत, नकद आरक्षित अनुपात, सी आर आर में वहन मूल्य से जुड़ी लागत और टेनर प्रीमियम, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से मौद्रिक नीति समिति के संदर्भ में सही है। ऑप्शन ए ये नीतियों हेतु मानक ब्याज दरें तय करता है, सेकंड इसके सभी सदस्यों की नियुक्ति आरबीआई गवर्नर द्वारा की जाती है, ठीक है, नीति समिति के बारे में बात हो रही। तो कह रहे नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। बात करें तो मौद्रिक नीति समिति एमपीसी भारत के केंद्रीय बैंक यानी भारतीय रिजर्व बैंक की एक समिति है जिसके अध्यक्ष इसके गवर्नर होते हैं, और इस समिति का कार्य मुद्रा स्फीति को एक निर्दिष्ट सीमा स्तर के भीतर बनाए रखने के लिए आवश्यक नीतिगत मानक ब्याज दरें तय करना होता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर फिलहाल सही है। इन्होंने कहा कि इसके सभी सदस्यों की नियुक्ति आरबीआई गवर्नर द्वारा की जाती है। तो इस समिति में कुल 6 सदस्य होते हैं, आपको पता है 3 सदस्य आपके आरबीआई से ही होते हैं और शेष की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। मौद्रिक नीति समिति के सदस्यों की नियुक्ति 4 वर्ष के लिए की जाती है। तो सेकंड आपका यहाँ पर सही नहीं है। आपको पता होगा उसमें डिप्टी गवर्नर होते हैं, आरबीआई के गवर्नर उसके मेन वो होते हैं, और मतलब कि ये भारत सरकार से भी सदस्य होते हैं, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। देखो उन्होंने दे भी दिया है, गवर्नर यानी कि अध्यक्ष होते हैं, उप गवर्नर में से एक एमपीसी के प्रभारी और कार्यकारी निदेशक सदस्य के रूप में होते हैं, ठीक है। चले